हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। मैं आपको आज व्हाट्सएप में दो ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आपके दोस्त आपके बहुत बड़े फैन हो जाएंगे। जैसे कि एक आपको कोई भी चीज़ लिखनी हो, उससे हेड ड्राइव कैसे करें, एक मैं उस ट्रिक के बारे में बताऊँगा। और जैसे आपके दोस्त आपको SMS करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं SMS भी पढ़ लूँ और मेरे दोस्त को बता भी ना चले, इन दो ट्रिक के बारे में आज मैं इस वीडियो में पूर्ण रूप से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए फ्रेंड, देख लेते हैं वो दो व्हाट्सअप ट्रिक के बारे में, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए देख लेते हैं। आप पहले अपने व्हाट्सअप में जाइए। व्हाट्सअप में जाने के बाद आपको कोई हेडलाइन मतलब कुछ ऐसी चीज़ भेजनी हो, जिससे वो आपकी लिखी हुई चीज़ पे ज़्यादा गौर करें, तो आप पहले अपना स्टार दबाइए। आपको जो लिखना हो, जो भी लिखना हो, जैसे मुझे हेलो लिखना है, तो आप देखेंगे कि मैंने हेलो लिखा। उसके बाद फिर आप एक बार स्टार दबा दीजिए, जिससे कि लगेगा हैशटैग बन गया। ये देख सकते हैं कि मैं कितना हेलो बढ़िया लिख रहा है। और ये देखिए कि मैं एक ऐसे ही लिख दे रहा हूँ सैंपल, जिससे कि कितना अंतर है। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर ये वाली चीज़ दबाएँगे, अगर इससे हेलो भेजेंगे, तो देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर आप कुछ ऐसे भेजेंगे हेलो लिख के कुछ भी आप, तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें किसमें कितना अंतर है। अगर आप इसी सब चीज़ों से कुछ और भी दबा सकते हैं, तो आप दबाइएगा और कुछ अलग टाइप के लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने हाई लिखा, ये देखिए हाई लिखा है, और मैंने हाय लिखा, इसको हैशटैग में डाल देता हूँ। तो ये देखिए कितना डिफरेंट अंतर दिख रहा है। ये हो गई भाई पहली ट्रिक, जिससे कि आप भी इस भेज सकते हैं अच्छे से अच्छा। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आपके फ्रेंड आपको SMS भेजते हैं और आप पढ़ना चाहते हो, वो आप सोचते हो वो देख भी ना पाए और मैं पढ़ भी लूँ, तो बहुत आसान तरीका है। आपको आप पहले अपने मोबाइल को फ्लैग मोड पे लगा दीजिए, जैसे कि मैंने फ्लैग मोड पे लगा दिया। फ्लैग मोड में लगाने के बाद आप कोई भी SMS को पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, और वो जान भी नहीं पाएगा। पढ़ने के बाद आप उसको काट देना है, काटने के बाद आपने फिर फ्लैग मोड हटा देना है। सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ अगली वीडियो में।